तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इससे दोस्तों, अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई भी बंदा मैसेज करता है, फिर अगर उस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, फिर भी दोस्तों आप उस मैसेज को देख सकते हो। तो अगर आप भी दोस्तों व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैंने यहाँ पर दो व्हाट्सएप बना लिया है आपको बताने के लिए। मान लीजिए दोस्तों, मेरे दोस्त का व्हाट्सएप है, ये मेरा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मेरे पास एक मैसेज करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैसेज सेंड कर दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये मैसेज आ चुका है, हेलो, ठीक है। मान लीजिए मेरे दोस्त ने मेरे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। अब ये क्या करेगा, इस पर क्लिक करके इसको एवरीवन कर देगा और यहाँ पर जो मेरे वाले व्हाट्सएप से है, मैसेज ये डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर कोई भी हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, फिर उस मैसेज को डिलीट कर देता है, तो ऐसे में हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि ये बंदा कौन सा मैसेज किया था और किस लिए डिलीट किया, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ, इससे दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई भी बंदा मैसेज को सेंड कर देता है, फिर उसको डिलीट कर देता है, डिलीट फॉर एवरीवन लगाकर, फिर भी दोस्तों आप डिलीटेड मैसेज को देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियोज़ को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम कर लेते हैं शुरू। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, फिर देखना दोस्तों आपके डिलीटेड मैसेज आप देख पाओगे, ठीक है। तो छोटी सी ऐप का नाम है वामर, ये ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप कर देना है वामर और यहाँ पर दोस्तों ऐप आ जाएगा। इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ। मैं सिंपली दोस्तों इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप लोग ओपन करते हो, आपके सामने डिस्क्लेमर कुछ लिखा होगा, टर्म कंडीशन, ठीक है। सिंपली नीचे आपको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा हेलो का, सिंपली नीचे आपको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो, यहाँ पर दोस्तों आपके फ़ोन के जो ऐप है यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली आपको ऊपर व्हाट्सअप को सिलेक्ट कर लेना है। व्हाट्सअप का जो यहाँ डिब्बा का ऑप्शन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ स्पेसिक है, मतलब इसके इसके कुछ एक्शन आएंगे, इसमें आपको दिखाया जाएगा कि इस प्रकार से दोस्तों ऐप काम करता है, ठीक है। तो सिंपली नीचे आपको फिर से सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दो प्रकार के ऑप्शन आएंगे, मतलब आपके सामने दो प्रकार के ऑप्शन आएंगे, ठीक है, ऑटो स्टार्ट, मल्टीमीडिया। तो दोनों को आपको इनेबल करना है। यहाँ पर इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपका जो वामर ऐप है इसको आपको जो है इनेबल कर देना है। फिर आपको बैक आना है, दूसरे पर क्लिक करना है, एलाउ पर क्लिक कर देना है, इतना काम करना है। फिर से आपको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों इस ऐप में जो है आपका सक्सेसफुली जो है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस ऐप में इतना काम करना है, फिर आपको सिंपली इस ऐप को कट कर देना है। आप सिंपली इस ऐप को पड़ा रहने दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको व्हाट्सअप से जो है इस वाले व्हाट्सअप पर मैसेज करके दिखाता हूँ, फिर मैं उस मैसेज को डिलीट कर दूंगा, फिर मैं आपको जो डिलीटेड मैसेज है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा था मेरे दोस्त का व्हाट्सअप है, ठीक है। मैं अपने दोस्त का व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर जो अपने पास एक मैसेज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो, ठीक है, और मेरे पास आ चुका है यहाँ पर हेलो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पर डबल टैप करके इसको डिलीट पर क्लिक करके डिलीट फॉर एवरीवन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मैसेज डिलीट हुआ है आपको कहाँ पर मिलेगा। उसके लिए सिंपली आपको वामर ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग ओपन करते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेलो लिख कर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मैंने अभी इस वाले व्हाट्सअप से मैंने अपने दोस्त के व्हाट्सअप से मैंने अपने पे जो मैसेज किया उसको मैंने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, फिर भी दोस्तों इस ऐप में जो है उस बंदे ने जो मैसेज किया था, मतलब इस वाले व्हाट्सअप से जो मैंने मैसेज किया था, इसमें आ चुका है। चलिए हम यहाँ पर कोई दूसरा भी यहाँ पर मैसेज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, सोमू जी यू, ठीक है, PTA, देन हम कर देते हैं सेंड, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे दूसरे वाले व्हाट्सएप में आ चुका है। अब हम इस पर डबल टैप करके डिलीट फॉर एवरीवन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैसेज डिलीट हो चुका है। सिंपली आपको करना क्या है, फिर से आपको वामर ऐप को ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मैंने अभी मैसेज सेंड करके डिलीट किया वो मैसेज यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं ये ऐप किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से आपके व्हाट्सएप के रिलेटेड मैसेज आपको दिखाता है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई भी बंदा मैसेज कर देता है, फिर अगर आप वो उसको उस मैसेज को डिलीट कर देता है, तो
तो दोस्तों आप उस मैसेज को देख सकते हो, जान सकते हो कि भाई किस बंदे ने मेरे पास ये मतलब इस बंदे ने मेरे पास क्या भेजा था। ठीक है, यह जो मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, यह जो मैंने आपको ऐप बताया हूँ 100% वर्किंग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आई होप यार आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।